नेमावर हत्याकांड को लेकर भीम आर्मी ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश देवास जिले के क्षेत्र नेमावर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसे लेकर मंगलवार को दोपहर भीम आर्मी के लोगों ने महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दिव्य ज्ञापन में उल्लेख किया है कि आरोपी सुरेंद्र सिंह ठाकुर व उसके साथियों द्वारा एक आदिवासी परिवार की बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर उनकी लाशों को 10 फीट नीचे जमीन में दफना दिया। इतना ही नहीं, मृतकों की लाशें जल्दी गल जाए इसके लिए आरोपी ने उनकी लाशों के ऊपर यूरिया और नमक डाल दिया। पूरी घटना यह है कि नेमावर में रहने वाले आदिवासी परिवार के 5 सदस्य पांचों सदस्य एक साथ 13 मई 2021 को लापता हो गए। गुमशुदा सदस्यों की जानकारी परिवार के लोगों ने नजदीकी पुलिस प्रशासन को दी। मामले में नेमावर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कराकर तलाश शुरू कर दी, लेकिन कुछ पता नहीं चला और पुलिस ने गुमशुदा लोगों की तलाश बंद कर दी। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को ठंडा कर दिया गया। लंबे समय लगभग 45 दिन बाद एक खेत में 10 फीट गड्ढे के नीचे उन पांचों लोगों के शव मिले। इस घटना को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, जबकि पीड़ित परिवार पहले से ही सतर्क था और उन्होंने आरोपियों का नाम तक पुलिस को बता दिया था। उसके बावजूद भी इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। तब आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी व अन्य संगठनों ने घटना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। वहीं भीम आर्मी के लोगों ने मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चलाया जाए और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए व पीड़ित परिवार को, जो बहुत ही डरा हुआ है, उन्हें तत्काल पुलिस प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी व 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाए। जिला संवाददाता दिलीप कुशवाहा की रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज जोनावत, मैं बिजवारी विधानसभा अध्यक्ष विजयपुर। नावाबार में जो एक ही परिवार के 5 आदिवासी परिवार के लोगों की जो हत्या, निर्मम हत्या की गई है, उसके संबंध में उनके हत्यारों को फांसी दिलवाने के संबंध में हमने राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। एसडीएम महोदय वालों को एक सदस्य को गवर्नमेंट जॉब और 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए और उनको हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।